नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मरुद्र यात्री व्लॉग के नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं सुभद्रा माता जी का मंदिर। सामने जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है वहां पर सुभद्रा माता जी का मंदिर है। सुभद्रा माता जी कृष्ण और बलराम जी की बहन थी और इस मंदिर का नाता भी महाभारत काल से रहा है। आइए चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। ये मंदिर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क है। ये लोणी तहसील स्थित सर गांव है, सर बाकरी बोलते हैं इस जगह को जहां माता जी का मुख्य मंदिर है। ये मुख्य मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता है। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं सुभद्रा माता जी के। सुभद्रा माता जी के बारे में कहा जाता है कि वो अर्जुन की पत्नी थी, पांडव पुत्र अर्जुन की, और इस जगह का महाभारत काल से भी नाता रहा है क्योंकि यहाँ पर अर्जुन और सुभद्रा माता जी ठहरे थे कुछ वक्त के लिए, इसलिए इस जगह का महाभारत से भी काफ़ी पुराना नाता है। राजस्थान में यहाँ इस जगह के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन से अपनी बहन को भगा कर ले जाने की बात करते हैं तो अर्जुन और सुभद्रा जी राजस्थान में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर भी वो काफ़ी वक्त रुके थे और फिर दोमड़ा स्थित भादरा जी उनके पास दोमड़ा पर्वत है वहाँ पर उनकी शादी हुई थी, ऐसा कहा जाता है श्री सुभद्रा माता जी के बारे में। आइए चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सर्व समाज की धर्मशालाएं वगैरह बनी हुई है। ऊपर की ओर पहाड़ पर मंदिर है जहाँ तक सड़क जाती है। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ इस पर्वत से एक कोई गुफा निकलती है जो सीधे दोमड़ा पर्वत पर खुलती थी। अभी तो उस गुफा के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है। ये सड़क मंदिर परिसर तक बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है मंदिर तक जाने का। पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है सुभद्रा माता का और काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्रा में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में भक्तगण आते हैं माता जी के दर्शनों के लिए। ये मंदिर परिसर का मुख्य द्वार बना हुआ है। तो सामने की ओर चुगाघर बना हुआ है और ये यहाँ पर ठंडे पानी की प्याऊ लगी हुई है। पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है सुभद्रा माता जी का मंदिर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। सुभद्रा माता जी के मंदिर यहाँ सर बाकरी में और दोमड़ा पर्वत पर और भादराजून के पास रामा गांव में भी बना हुआ है। तो महाभारत काल से भी इनका नाता रहा है। अर्जुन और सुभद्रा की शादी राजस्थान में ही बताई जाती है। ये श्री सुभद्रा माता जी का मुख्य मंदिर है। आइए चलते हैं आगे की ओर। ये मंदिर 1910 में बनाया गया है। सुभद्रा माता का मंदिर 1910 में सुभद्रा माता जी ने यहाँ के मुख्य पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन दिए थे और उन्हें अपने मंदिर के बारे में बताया था। फिर यहाँ इस पहाड़ी पर सुभद्रा माता जी के मंदिर का निर्माण हुआ। तो काफ़ी पुराना मंदिर है ये। यहाँ इस और नारियल
वगैरह चढ़ाने के लिए दूना बनाया गया है। और यहाँ पास में ही श्री भैरव बाबा का मंदिर भी है, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। यह है श्री भैरव बाबा का मंदिर। श्री गोरा भैरव जी है, और ये पहाड़ी है पूरी। सामने देवी माँ की प्रतिमा लगी हुई है, और ये इस ओर है सुभद्रा माता का मंदिर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ भक्तगण आते जाते रहते हैं, और काफी प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान में सुभद्रा माता और अर्जुन की कथाएं आपको सुनने को मिलेगी। ये सुभद्रा माता जी का मंदिर है। अभी हम लोग आए हैं तो पुजारी जी अभी मंदिर खोलेंगे, मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। सामने सुभद्रा माता जी की मुख्य मूर्ति लगी हुई है। काफी शांत वातावरण है मंदिर परिसर का, और बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर बना हुआ है यहाँ सर भाकरी पर। ये यहाँ पर पुजारी जी का कक्ष है, और ये बड़ा सा हॉल बना हुआ है आराम करने के लिए लोगों के। और यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखाई देगा मंदिर परिसर के आसपास का, नीचे की और मंदिर तक आने वाली मुख्य सड़क है। और ये नीचे काफ़ी सारे मंदिर भी बने हुए हैं, और अलग अलग समाज के हॉल वगैरह बने हुए हैं जहाँ पर वो लोग रात्रि जागरण वगैरह करते हैं। और अलग अलग सभी समाज के धर्मशाले भी बने हुए हैं। ये मंदिर परिसर विकास समिति का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। आइए चलते हैं आगे की ओर। अभी पुजारी जी मंदिर खोल रहे हैं, तो मैं आपको मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। ये बड़ा सा हॉल बना हुआ है आने वाले भक्तों के विश्राम के लिए। आइए इस ओर चलते हैं। ये यहाँ पर पुराना रास्ता है, ये यहाँ पर इस ओर चुगा घर बनाया गया है जहाँ पक्षियों के लिए दाना वगैरह रखते हैं। और पहाड़ के ऊपर से आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। इस ओर चलते हैं। ये यहाँ पर मंदिर तक आने के लिए सीढ़ियाँ हैं। पहले जब वो दूसरा रास्ता नहीं बना हुआ था तो यहीं से लोग ऊपर आते थे, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। पहाड़ से सामने मुख्य सड़क तक दिखाई देती है। ये ऊपर की ओर आने वाली सीढ़ियां हैं, और ये इस ओर मुख्य गेट बना हुआ है मंदिर परिसर का। आइए चलते हैं अंदर की ओर। कहा जाता है कि यहाँ पर इस पहाड़ पर कोई पुरानी गुफा थी जो बादरा जून में तोमड़ा पर्वत तक जाती थी, जहाँ से सुभद्रा और अर्जुन यहाँ पर आया जाया करते थे।
अभी तो उस गुफा के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं सुभद्रा माता के। बहुत ही अद्भुत कारीगरी की गई है मंदिर में। ग्रामीणों के और आसपास के लोगों के सहयोग से बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। मुख्य पुजारी जी हैं मंदिर के। माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। आइए चलते हैं बाहर की ओर। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा मंदिर बना हुआ है। आप भी यहाँ पर जरूर आए दर्शनों के लिए। ये लूणी पंचायत समिति का सर गांव है। सर बाकरी बोलते हैं मंदिर की इस जगह को। काफ़ी अच्छी और शांत जगह है मंदिर परिसर की, इसलिए आप लोग भी यहाँ पर जरूर आएँ। मैं आपको नीचे की ओर जो मुख्य पुजारी जी है उनका मंदिर बना हुआ है वहाँ पर ले चलता हूँ। ये मुख्य गेट है जहाँ पर माँ के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि सुभद्रा माता को कई नामों से पुकारा जाता है। आइए चलते हैं नीचे की ओर और जो मुख्य पुजारी थे सूरा राम जी उनका मंदिर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों हम नीचे की ओर आ चुके हैं। ये सूरा राम जी का मंदिर है। सामने की ओर पहाड़ पर देवी सुभद्रा का मंदिर। ये सूरा राम जी ही मुख्य पुजारी थे, माँ ने इनको दर्शन दिए थे और उनके बाद यहाँ पर मंदिर बनाया गया। आइए चलते हैं। अच्छा तो ये प्रतिमा है श्री सूरा राम जी भूंगर की, जो माँ के मुख्य पुजारी थे जिनको साक्षात माँ ने दर्शन दिए थे। इनके वंशज ही आज भी इसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था श्री सुभद्रा माता मंदिर का वीडियो और कुछ जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। मेरे चैनल मरुधर यात्री व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आगे एक और नई जगह के साथ, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।